नमस्कार दोस्तों, देसी जीके टेक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक का भाग द्वितीय, वो भी एक मजेदार ट्रिक के साथ। और दोस्तों, प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक का भाग प्रथम है जो मैंने बना दिया था। अगर दोस्तों आप भाग प्रथम देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी मैं आपके लिए न्यू वीडियो बनाऊँ जीके टॉपिक से रिलेटेड, वो आपके फोन तक पहुँच जाए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अंधा युग तथा सूर्य का सातवां घोड़ा, दोनों ये बहुत ही प्रमुख पुस्तकें हैं और इनके जो लेखक थे उनका नाम था धर्मवीर भारती। तो इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए दोस्तों। इसमें क्या है, श्री कृष्ण है जो अर्जुन को उपदेश देते हैं तथा ये श्लोक सब जानते हैं दोस्तों, सब इससे परिचित हैं। यदा दाई धर्मस्य ग्लानि बहुत ही बार अभ्युथानमा धर्मस्य तदात्मान सर्जाम्यम, यानी कि जब जब धर्म की हानि हुई है तब तक इस युग में भगवान कृष्ण ने अपने आप को सर्जन किया है, कुछ इस प्रकार का इसका हिंदी अनुवाद है। तो दोस्तों पहले इस इमेज को देखो दोस्तों, इसमें क्या है, घोड़े हैं बहुत सारे, लगभग सात घोड़े हैं। तो ये आपको सूर्य भी दिख रहा है दोस्तों, और यहाँ पर धर्म की बातें हो रही है और कलयुग में भगवान के अवतरण की बात की गई है। तो दोस्तों इस इमेज के माध्यम से आपको याद हो गया होगा, जैसे देखो यहाँ पर धर्म की बात की गई है, तो यहाँ तो इन दोनों के लेखक है धर्मवीर भारती तथा सूर्य का सातों घोड़े, यहाँ पर सूर्य भी नजर आ रहा है दोस्तों, और कुछ इस प्रकार से आपको सात घोड़े भी नजर आ रहे हैं। तो सूर्य का सातवां घोड़ा, यहाँ पर युग की बात की जा रही है, क्योंकि भगवान है जो कलयुग में अपने आप को अवतरण करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये दोनों पुस्तकों के लेखक है धर्मवीर भारती। आगे देखते हैं दोस्तों द लास्ट मैन इन द टावर, तो इसके लेखक है दोस्तों अरविंद अड़िगा। तो इसकी तो बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, जैसे ही टावर पर चढ़ता है आदमी तो यहाँ पर अड़ जाता है, यानी कि बीच में ही अटक जाता है, यानी कि अड़ जाता है। तो यानी कि मैन टावर में अड़ गया, मतलब आदमी है जो टावर के अंदर ही अड़ गया। तो मैन और टावर से अपना बनेगा द लास्ट मैन इन द टावर, और अड़ने से आपको याद आएगा अड़ीगा। आगे देखते हैं दोस्तों बम का दर्शन, इसके लेके क्या वो है भगवती चरण बोहरा। तो इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, जैसे ये बम है तो बम क्या होता है, जोर से फटता है, तो क्या होता है कानों से लोग बहरे हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहरे होने और बम का बहुत ही अच्छा रिलेशन है दोस्तों, तो बहरे से आपका बनेगा बोहरा, यानी कि भगवती चरण बोहरा। आगे देखते हैं दोस्तों मर्च कटिकम, जिसके लेखक है शूद्रक। तो अगर हम मर्च कटिकम को अच्छे से देखें तो ऐसी ध्वनि आ रही है जैसे मूछ कटिकम, यानी कि मूछों को काटो। और हम अपने मूछों की सेविंग क्यों करते हैं दोस्तों, सुंदर दिखने के लिए, ठीक है। तो अपना सुंदर वर्ड से देखो दोस्तों, जैसे सुदर, जैसे सुदर वर्ड इसमें आ रहा है सुंदर, ठीक है, सुदर बहुत ही मिलता जुलता वर्ड है एकदम से, जिससे आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों पाथेर पंचाली, जिसके लेखक है भूषण बंदोपाध्याय। तो इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, जब हम पत्रों से घर को बनाते हैं तो एकदम से क्या करते हैं, उसे बंद करते हैं, यानी कि पत्थर से घर बंद करते हैं। तो अपना पत्थर से बनेगा अपना पाथेर, और पाथेर से आपको याद आएगा पाथेर पंचाली, और बंद से याद आएगा अपना बंदोपाध्याय। आगे चलते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही फेमस लेखक है वी एस नायपाल, जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है दोस्तों। और इनकी जो इम्पॉर्टेंट रचना है वो है एरिया ऑफ डार्कनेस और हाफ ए लाइफ, दोनों ही पुस्तकें वी एस नायपाल द्वारा लिखी गई है। तो इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, एरिया ऑफ डार्कनेस, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ही अंधेरा हो, वहाँ पर आपको जाने के लिए बोला जाए, यानी कि ट्रिक है अंधेरे में जाना मेरे बस का नाई, यानी कि आपको अंधेरे में जाने को बोला जाए तो आप क्या करोगे, भाई भाई मेरे बस का नाई है, यानी कि मेरे बस का नाई है। तो बस और नाई, और आगे देखे दोस्तों ट्रिक को, अभी आधी उम्र पड़ी है, मतलब मुझे तो अभी जीना है, मुझे कहीं अंधेरे में नहीं जाना है, यानी कि डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो अपना आधी उम्र पड़ी है और अंधेरा, तो अंधेरे से याद आएगा आपको एरिया ऑफ डार्कनेस, और आधी उम्र से याद आएगा अपना हाफ ए लाइफ, और बस और नाई वर्ड से आपको याद आएगा वी एस नायपाल। आगे देखते हैं दोस्तों दस कुमार चरित्र, जिसके रचयिता थे दंडी। तो अगर दस कुमार, यानी कि दस वर्ड आपको याद करवाता है रावण को, यानी कि दशानंद को, और रावण कैसा व्यक्ति था, एकदम से दंडी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों ए सूटेबल बॉय, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, जो कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई। तो इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, सूटेबल बॉय यानी कि सूट, जो सूट पहनता है वो कैसा दिखेगा, एकदम से सेठ जैसा, और सेठ जैसा बनने के लिए, यानी कि ऐसा सूट पहनने के लिए आपको अच्छे क्रम करने की आवश्यकता है दोस्तों। मैं आपको साथ में ट्रिक भी जैसे लिखकर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा आपको पीडीएफ भी
अवेलेबल कराता हूँ, यानी कि आप वीडियो ना देखे अगर पीडीएफ भी पढ़ना चाहे तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अगर दोस्तों मेरा पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रिक देखो दोस्तों, आप क्रम अच्छे करोगे तो सूट पहनकर शेर जैसे बन जाओगे। सीधी सी बात है, क्रम आपके अच्छे होंगे तो आप भी सूट पहन सकोगे और शेर जैसे बन जाओगे। तो यहाँ पर क्रम और शेर से बनेगा अपना विक्रम सेठ और सूट से बनेगा अपना सूटेबल बॉय। आगे देखते हैं दोस्तों हितोपदेश, जिसके रचयिता है नारायण पंडित। तो इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, पंडित जी हित के लिए उपदेश देता है, यानी कि कोई भी पंडित होता है वो कैसे उपदेश देता है, हितकारी उपदेश देता है। तो अपना हित और उपदेश से बनेगा हितोपदेश और पंडित से बनेगा अपना नारायण पंडित। आगे देखते हैं दोस्तों इंडिया डिवाइडेड, जिसके लेखक थे राजेंद्र प्रसाद। तो इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, प्रसाद वर्ड इसमें आ रहा है, जैसे हम प्रसाद भगवान का भोग जिसे हम क्या करते हैं बांटते हैं, यानी कि सब में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो प्रसाद को हम बांटते हैं तो बांटने को बोलते हैं डिवाइड, तो इससे बनेगा अपना इंडिया डिवाइडेड और प्रसाद से बनेगा अपना राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं दोस्तों एपीएसएस टू इंग्लैंड, और इसके लेखक है नीरज सिंह चौधरी। तो इसकी क्या ट्रिक बनेगी दोस्तों, एपीएसएस टू इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड को भेजा गया पत्र। तो कुछ इस प्रकार से हुआ कि दोस्तों इंग्लैंड को जो पैसेज भेजा गया वो चोरी से किसी ने देख लिया, यानी कि चोरी से पहले ही किसी ने देख लिया, ठीक है। तो अपना चोरी से बनेगा अपना चौधरी, और देखने को इंग्लिश में बोलते हैं सी, ठीक है, और चोरी और सी से बनेगा अपना नीरज सिंह चौधरी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों ए पैसेज टू इंडिया, ठीक है, इंडिया को भेजा गया पत्र, जिसके लेखक है ई एम फॉरेस्टर, ठीक है। तो इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, पहले तो इंग्लैंड को भेजा गया पत्र था जो कि किसी ने चोरी से देख लिया, अब वापस भारत को वापस पत्र भेजा गया तो वो कहीं जंगल में ही अटक गया, ठीक है। भारत को जब पत्र वापस भेजा गया वो किसी जंगल में ही अटक गया, यानी कि फॉरेस्ट में ही अटक गया, ठीक है, यानी कि पूरा आया ही नहीं। तो अपना फॉरेस्ट से याद आएगा अपना फॉरेस्टर, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों गाइड और मालगुडी डेज, बहुत बार इनका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके रचयिता है अपने आर के नारायण। तो इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, इस इमेज को देखो दोस्तों, ये गाइड है जो कि मालगाड़ी को रोक रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, गाइड बोल रहा है मालगाड़ी रोकना, ठीक है, ये ट्रिक है अपनी। तो गाइड तो इसमें आ रहा है, मालगाड़ी से आपको बनाना है मालगुड़ी, डेज और रोकना, यहाँ पर आर के नारायण आपको मिल रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों इंटरनल इंडिया के जो लेखिका थी वो थी इंदिरा गांधी। अपना इंटरनल से मतलब क्या हुआ, आंतरिक यानी कि अंदरूनी। तो अपना अंदरूनी वर्ड है वो इंदिरा से काफ़ी मैच कर रहा है, तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों हार्ट ऑफ इंडिया, जिसके लेखक थे मार्क टिल। अब इस इमेज को देखो दोस्तों, ये हमारे हार्ट के इस तरफ है जो दिल होता है, ठीक है। अगर आपको दिल की जगह तिल भी मिल जाए ना तो आप बहुत ही लकी कह लेते हो। ऐसा माना जाता है दोस्तों, जिसके हार्ट के साइड में तिल होना वो बहुत ही लकी होता है, ऐसा मानते हैं सब लोग, ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हार्ट और तिल एक जगह मिल जाए, तो इसमें भी आपको मिल रहा है हार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, हार्ट मिल रहा है और यहाँ पर तिल भी मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते। आगे देखते हैं दोस्तों गुलामगिरी, जिसकी लेखिका थी ज्योतिबा फूले, ठीक है। तो इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, गुलामगिरी यहाँ पर गिरी वर्ड आ रहा है, गिरी से मतलब हुआ गिरने से, और जब भी कोई गिरता है तो क्या होता है, वहाँ पर चोट लगती है और फोले और फफूले हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने फोले और फफूले जो कि फूले वर्ड से मिल रहे हैं, तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों मिलंद पन्हो, जिसके रचयिता है नाग सैन। तो इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, मिलन मतलब मिलना, किसका मिलना, पन्ना, ठीक है, हीरा पन्ना मिलने की बात कर रहे हैं, ठीक है। पन्ना जैसे पन्ना है, हीरा पन्ना है और मणि, ये बहुत ही सिमिलर वर्ड है, ठीक है। तो किसी मणि का मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, वो कहाँ पर मिल सकती है, किसी नाक पर ही मिल सकती है। तो इस प्रकार से आपको नाक से याद आएगा नाग सैन। आगे देखते हैं दोस्तों परिमल, परिमल के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी। तो इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, अगर आप परी वर्ड उठाएंगे और परी को देखेंगे तो आपको व्हाइट व्हाइट नजर आएंगे, यानी कि बहुत ही अति सुंदर क्रांति, यानी कि सूर्य जैसी कांति नजर आएगी आपको, कैसी, सूर्य जैसी कांति उसमें नजर आएगी। तो अपना सूर्य जैसी कांति से बनेगा अपना सूर्यकांत त्रिपाठी। आगे देखते हैं दोस्तों स्पीड पोस्ट, इसके लेखक थे शोभा डे। अब इसकी बात की जाए स्पीड पोस्ट, हम दोस्तों स्पीड पोस्ट किस टाइम करते हैं, डे में करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों प्रेम वाटिका, जिसके लेखक थे रस खान। तो इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, अगर प्रेम और रस दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है अपना प्रेम रस,
यानी कि दोनों ही बहुत ही सिमिलर वर्ड हैं और बहुत ही मधुर ध्वनि देता है, यानी कि प्रेम रस। तो अपना प्रेम से बनेगा अपना प्रेम वाटिका और रस से बनेगा अपना रस खान। आगे देखते हैं दोस्तों यामा, जिसकी रचयिता थी महादेवी वर्मा। अगर यामा को देखें तो इसकी ध्वनि है जो वर्मा से मिल रही है, यानी कि यामा वर्मा, यामा वर्मा। तो इस प्रकार से आपको दो तीन बार ऐसे बोलेंगे यामा वर्मा तो आपको ऑटोमेटिक से ही याद हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 25 प्रमुख पुस्तकें उसके लेखक के बारे में पढ़ा है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके कोई भी एग्जाम में आ सकती है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि वीडियो कैसी थी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं दोस्तों अगले भाग में, जो कि बुक्स एंड ऑथर का तीसरा भाग होगा। तब तक के लिए बाय।